रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या ना कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शंस या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसमें होता क्या है, जब ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो तो उस अभिक्रिया का नाम दिया है क्या। अब इनको बात आती है इनको बैलेंस करने की, ठीक। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं को जो संतुलित करने की, बैलेंस करने की जो है, दो मेथड है, दो विधि है। फर्स्ट मेथड है इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो पहला जो मेथड पढ़ रहे हैं हम, इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या विधि, ठीक। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, उसको हमें बैलेंस करना है, और करना किसके द्वारा, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। इक्वेशन लिख रहा हूं Br2, ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, ब्रोमाइड आयन Br(O3) प्लस H2। कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस है क्या, बैलेंस करना है इसके द्वारा, आयन द्वारा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं फर्स्ट हाफ प्रथम अर्ध समीकरण, यहाँ से ले रहे हैं हम Br2 और इधर लेंगे हम Br, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ Br के दो परमाणु और इधर कितना, दो दो करने दोनों साइड, इधर दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवेश को, दो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे। इसके बाद करते हैं हम सेकंड हाफ रिएक्शन, तो सेकंड हाफ में इधर से तो Br लेंगे और इधर से Br, ठीक जी सर। सबसे पहले हम Br के परमाणु दोनों साइड इक्वल करेंगे, इधर दो आ रहे हैं, उधर कितने, दो की मल्टीप्लाई करेंगे, Br के दो परमाणु हो गए, ठीक। ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए, छह। क्या करना है, जल छह अणु ऐड करेंगे इधर, इधर ऑक्सीजन के छह और छह 12 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के 12 हो गए, तो इधर भी दो परमाणु, 12 और क्लियर। अब एक चीज बैलेंस करने के लिए रह गई है, इलेक्ट्रॉन आवेश, इधर कितना आ रहा, 12 और इधर दो, कितने कम है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करने, राइट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर सेकंड आ गया। फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये बन गया, सेकंड रिएक्शन क्या करना है, दस दस इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे नीचे समीकरण एक में, पांच की गुणा करके जोड़ देता, करो मल्टीप्लाई, 5 Br2 यहाँ करेंगे, इसमें करना नहीं है, ऐसे उतारना है, बारह हो गए, आ गया देखिए, नया ऐड करना है हमें Br2, पांच परमाणु इधर है और एक छह Br2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
इसमें अभी हम दो से डिवाइड कर सकते हैं देखिए अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। जो इक्वेशन हमें दिया हुआ था उसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना था। ठीक, इसके हमने दो इक्वेशन बनाए, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, सेकंड हाफ रिएक्शन। फिर हमने देखा कि पहले वाले इक्वेशन में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में बराबर कैसे हो, तो पहले वाले में हमने पांच से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम पहले वाले इक्वेशन में पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इन 10 इलेक्ट्रॉन से सेकंड इक्वेशन के 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 5Br2, यहाँ Br2, ये हमारा 6Br2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 12OH बचेगा। अब इधर देखेंगे, देखो यहाँ से 10Br आ जाएगा, यहाँ से 2Br3 आ जाएगा और यहाँ से 6H2O। इसमें हमने देखा कि इसमें ऐसे डिजिट आ रही है कि दो से डिवाइड हो सकता है, 6, 12, 10, 2, 6, तो दो से डिवाइड हो जाएगा सारे में। जब दो से डिवाइड करेंगे तो 6 का तो 3 आ जाएगा, 12 से 6 आ जाएगा और 10 का 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और वहाँ 6 का 3 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। जी सर, अब नोट कर लें, इसे नोट कर लिया। जी सर, हाँ। इसके बाद इसका देखते हैं सेकंड रिएक्शन। ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, अब इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। सेम मेथड है इसी का भी, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में इधर से हम पी ले रहे हैं और इधर से पीएच 3। इसके बाद जल के 3 अणु इधर ऐड कर देंगे, H2O। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर हम 3OH2। इसके बाद रह जाता है आवेश, आवेश के लिए 3 लगता है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में इधर से पी लेना है H2O। देखिए अगर हम इसमें इधर 2OH ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन बराबर हो जाती है। इधर 2H आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर 2OH। ठीक, आवेश इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है इधर राइट हैंड साइड, 2 हो गए। देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 की गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक, करो मल्टीप्लाई पहले वाले को, कैसे करना है इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 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
थ्री है, थ्री और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे,
थ्री एच टू बी ओ एच थ्री ओ एच टू थ्री ओ एच थ्री ओ एच इधर देखिए सिक्स ओ एच आ रहा है थ्री ओ एच और उधर थ्री ओ एच थ्री ओ एच ओ एच आ रहा है तो इधर से हम तीन कम कर देंगे यहाँ पर फोर थ्री थ्री एच टू ओ प्लस थ्री ओ एच थ्री ओ एच ओ एच पी एच थ्री इक्वेशन बैलेंस ध्यान से देखें पी के चार परमाणु इधर है और एक और तीन चार हाइड्रोजन के छह और तीन नौ तीन दो नहीं छह और तीन नौ ऑक्सीजन के तीन और तीन छह और थ्री की जब टोमोमल निकलाई होगी सिक्स आवेश देखिए तीन और इधर भी तीन इक्वेशन ये भी हमारी नोट कर लें स्टार्टिंग जो करना है फर्स्ट ऑफ रिएक्शन से ठीक है पहले हम फर्स्ट ऑफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद अब इसमें जो लास्ट में रह जाता है इलेक्ट्रॉन का रह जाता है इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके बाद क्या करना है यहाँ पर थ्री इलेक्ट्रॉन में बराबर करने के लिए क्या करेंगे थ्री की मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई जो होगी पूरे इक्वेशन में होगी ये नहीं कि हमें बस इलेक्ट्रॉन में करना है ठीक है उसके बाद में जब थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको ऐड करना है एक ये है पी और तीन ये क्या है पी फास्फोरस फास्फोरस का सिंबल थ्री पी और एक पी फोर पी हो गया यहाँ से सिक्स ओ एच और थ्री एच टू आ जाएगा उधर से पी एच थ्री थ्री ओ एच और एच टू पी ओ टू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल ठीक है।